and today is another episode of Declutter My Life series. So you all know I am decluttering all my spaces, my entire house one by one, and today I'll be handling all my traditional wear. So most of us Indians have a lot of traditional wear as well. Traditional wear बहुत delicate होता है, expensive होता है, तो उसकी care करना बहुत essential है. बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत expensive sarees, zari work वाली sarees, dabka work या कोई भी type की embroidery वाली चीजों को open में रख देते हैं, फिर वो काली पड़ जाती है and next time जब उसको पहने तो उसमें वो बात नहीं रहती. और फिर like what's the point of investing your money in such a beautiful garment if you cannot wear it for I would say your entire life. So today I'll show you how I make sure that all my beautiful sarees, lehenga, suits and everything is nice and well packed. By storing all your Indian wear in this particular way, you can actually ensure that it looks brand new every single time you pull it out of the packaging. So I'm going to show you how I pack my Indian wear and let's get into the video. Alright guys, so here is a before shot of my Indian wear closet. So as soon as I got married, मैंने अपने सारे Indian wear के लिए एक particular wardrobe बना ली थी. Because I knew शुरू में बहुत सारे functions होते हैं and there was wedding season and dinners and stuff like that. तो ये तब से सारे यहाँ hang हुए हुए हैं. जितनी भी ये सारी प्लास्टिक वाले कवर्ड हैं लाइक दिस पर्टिकुलर लहंगा, माय एंगेजमेंट लहंगा एंड थिंग्स लाइक दैट, ये सारे ऑलरेडी ड्राई क्लीन है एंड आई वांट टू कीप देम वेरी सेफ, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े ये मुझे हमेशा न्यू ही मिले. सो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटाएं, जो चीज़ें कवर्ड नहीं है लाइक दिस गॉर्जियस लहंगा जो मैंने सालों पहले बनवाया था, इन सब चीज़ों को हम नाइसली सेफली बैग्स में पैक करें एंड जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसे खोलेंगे और हमें अच्छे ही मिलेंगे. I'm going to start with sarees because sarees are the most beautiful and one of the most delicate garments. ये सारी की सारी sarees मैंने drawers में रखी हुई थी and now I think is the time जब मैंने pack करना चाहती हूँ. So before doing anything else, मैं सारी साड़ियों को एक जगह पे लगा रही हूँ अच्छे से तह करके, जिससे कि मुझे पता हो कि मेरा जितनी भी साड़ियाँ हैं वो एक place पे हैं और जब भी मुझे चाहिए हो मुझे पता होगा कि मेरे को एक जगह पे सब कुछ मिल जाएगा. ओके, सो ये है मेरी सारी सारीज एंड ये सारी अब एक बंडल में इकट्ठी हो गई हैं. इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा सारे पेटीकोट्स एंड ब्लाउजेस को भी एक जगह पे करना. दिस पर्टिकुलर साड़ी दैट इज इन माई हैंड राइट नाउ, दिस इज एक्चुअली अ स्टिच साड़ी, तो इसके अंदर ऑलरेडी जो प्लीट्स होते हैं वो बने हुए हैं, तो इसको ऐसे मैंने शैबिली तह कर दिया है, जस्ट मेक शिफ्ट तह किया है. एंड नेक्स्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट साड़ीज, आई लव दिस पर्टिकुलर वन, इट इज सो प्रिटी एंड आई हैव वॉर्न दिस आई थिंक 2 times एंड आई लव इट. ओके, तो अब साड़ीज इकट्ठी हो गई हैं, अब हम सबके ब्लाउज इकट्ठे कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता हो कि सब कुछ एक जगह पे है. अगेन, जब भी हम कोई भी ट्रेडिशनल वेयर पहनने लगे हैं, किसी का साड़ी का ब्लाउज नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, तो बहुत इरिटेशन होती है. सो मेक श्योर कि आप सब कुछ एक जगह पे कर लें. नेक्स्ट, दिस इज द सीक्रेट वेपन, हम हर चीज़ को स्टीम करेंगे. ये मेरा फिलिप्स का स्टीमर है, आई क्वाइट लाइक इट, आई हैव अनदर वन एट माई मॉम्स, दैट वॉज ऑल्सो रियली गुड, बट दिस वन इज रियली नाइस. सो फुल पे स्टीम करके मैं जितने भी साड़ी और ब्लाउजेज हैं सबको स्टीम करूँगी. फ़ायदा ये है कि हर चीज़ डिसइनफेक्ट हो जाएगी और एक बार जितने भी जर्म्स होंगे वो सारे मर जाएंगे एंड इट विल बी लाइक ऑल नाइस एंड फ्रेश. इसके अंदर अगर आप चाहें तो एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपके जो गार्मेंट्स हैं वो फ्रेश स्मेल करें. So I am going to steam every single thing that is on the table, make sure that it's nice, clean and germ free before I pack them. ये जो स्टीमर्स हैं दे आर वेरी सेफ टू यूज़ ऑन एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स एज वेल एंड दिस इज़ अ रियली रियली गुड वे टू मेक श्योर कि जितनी एम्ब्रॉयडरीज हैं वो सारी की सारी डस्ट फ्री रहें एंड जब भी आप उसे निकालें वो हमेशा शाइन कर रही हों. जो मेरी साड़ीज है सबका जो मैं टॉप लेयर है जो कि जनरली एयर को एक्सपोज होती है उनको मैं स्टीम कर लूँगी रफली. अभी कोई हमने पहनी तो है नहीं, तो जस्ट टू डिसइनफेक्ट आई एम गोइंग टू स्टीम एवरीथिंग, तह लगा के बंडल्स बनाती जाऊँगी, जिससे कि जब पैक करने का टाइम हो आई नो दैट एवरीथिंग इज़ इन प्लेस. सो दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग राइट हियर.
दिस प्रोसेस टू क्वाइट सम टाइम. आई थिंक ये मैंने सब कुछ शुरू किया था सितंबर या अक्टूबर में, और ऑब्वियसली मैंने रेगुलरली नहीं किया, ऑन एंड ऑफ आई वॉज डूइंग इट, बट इट्स अ रियली लॉन्ग लेंदी एंड अ बोरिंग प्रोसेस. बट बिलीव मी, वंस यू आर डन, यू विल रियली रियली फील दैट समबडी हैज़ लिफ्टेड लोड्स ऑफ योर चेस्ट. अब यहाँ पे हैं मेरे सारे पेटीकोट्स. वी ऑल नो साड़ी पहनना इज़ इम्पॉसिबल विदाउट पेटीकोट्स, सो मैं सब कुछ अच्छे से अरेंज कर लूँगी एंड देन हम इन सब चीज़ों के सेट्स बनाएंगे. सो अब इस साड़ी के बीच में ही मैं रख रही हूँ उसका पेटीकोट, एंड इन्हीं के साथ साथ इसी सेम बैग में जहाँ मैं पैक करूँगी वहीं इनके ब्लाउजेज़ भी रखूँगी. सो अब जब भी आप साड़ी उठाएंगे आपको पता है कि पूरा सेट इकट्ठे रखा हुआ है, सो इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये रहे हमारे सारे ब्लाउजेज एंड इट इज़ टाइम टू पैक ऑल दीज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर बैग. सो ये जो है एयर टाइट बैग है, ये मैंने अमेजोन से लिया था अभी बस जस्ट आफ्टर आई पैक दिस, इसके बारे में आपको बताऊंगी. बट बिफोर वी पैक इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो भी मेरी साड़ीज़ हैं, जो स्पेशली जरी वाली हैं या वर्क वाली हैं, उनका जो वर्क है वो प्रोटेक्टेड रहे. तो इसके लिए मैंने ये बटर पेपर ले लिया, आई थिंक 10 रुपये के 10 आते हैं, और जितनी भी साड़ीज़ हैं उनके बीच वाले फोल्ड में और एक दूसरी मतलब 1 to 2 साड़ी के बीच में आधा आधा बटर पेपर मैंने रखा है. इससे बेनिफिट ये है कि कोई भी साड़ी का जो वर्क है वो आपस में नहीं टकराएगा और कोई साड़ी जो है उसका जरी काली नहीं पड़ेगी. सो इफ़ यू हैव साड़ीज या फिर कोई भी वर्क वाली चीज़ हो, दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट वे टू कीप देम सेफ, जिससे वो आपस में लग के खींचे ना, एंड फ्यूचर में जब भी आप निकालें वो आपको हमेशा नई जैसी मिले. सो मैं हर चीज़ के बीच में पेपर रखूँगी और सबको अच्छे से इस बैग में रख दूँगी. कमिंग टू द बैग, ये बैग मैंने लिया है अमेजोन से, तो दीज आर कॉल्ड आई थिंक एयर टाइट बैग्स. आई विल लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. दे आर वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव. आप इसमें सब कुछ अच्छे से, एक्चुअली मैं तो ठूस ठूस कर रख देती हूँ, आप इसमें रख दीजिए. और उसके बाद इसके साथ एक पंप है जो कि अभी मैं नेक्स्ट सीन में आगे दिखाऊंगी. उस पंप को इस पर लगाइए और सारी हवा बाहर ड्रेन आउट कर दीजिए. बेनिफिट ये होता है इससे कि बिकॉज दिस इज 100% एयर टाइट एंड सील्ड, तो इसके अंदर कोई भी जो कीड़ा है वो बेसिकली आ ही नहीं सकता. यू नीड सम काइंड ऑफ एयर फॉर अ कीड़ा टू काइंड ऑफ आई थिंक जनरेट, आई डोंट नो क्या कहें, बट कीड़ा लग ही नहीं सकता इसमें. तो मैं अपनी हर चीज़ को इसमें सेव करके रख देती हूँ. एंड बेस्ट चीज़ है, इसमें बहुत सारा सामान आता है और आपकी जगह बहुत कम लगती है. तो ये सारी साड़ीज़ मैं एक मीडियम साइज़ बैग में बंद कर रही हूँ. बैग्स 3-4 साइजेस में आते हैं, हैंगर के साथ भी आता है, तो आपको जिस भी साइज़ का चाहिए आप ले लीजिए. और दिस विल सेव योर लाइफ, इट विल सेव अ लॉट ऑफ स्पेस एंड मेक योर लाइफ वेरी वेरी इजी. एज यू कैन सी, मैंने हर ब्लाउज के बीच में भी ये आधा आधा शीट, आई थिंक 1/4 शीट लगा दी है. एंड नाउ वी कैन जस्ट पुट इट इन साइड, एंड बैग के ऊपर एक सीलेबल काइंड ऑफ एक प्लास्टिक होता है जिसको आप ड्रैग कीजिए तो ये जैसे जिप लॉक होता है ना, वैसे सील हो जाता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू सील इट वेरी वेरी टाइट, मेक श्योर कि सारे लॉक्स बंद हो गए हों. एंड वंस दैट्स डन, वी आर गोइंग टू पंप आउट द एयर विद द पंप विच इट कम्स विद. दिस पार्ट इज़ सो सैटिस्फाइंग ऑनेस्टली. शुरू शुरू में तो बड़ा ईजी होता है, बट जैसे जैसे पैकेट टाइट होने लगता है थोड़ा ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी. बट इट इज़ सो सैटिस्फाइंग टू सी द बैग स्क्वीज एंड योर क्लोथ्स इनसाइड देम, दे आर ऑलवेज सेफ. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू शिट लोड ऑफ सूट्स एंड अदर ड्रेसेज दैट आई हैव इंडियन वेयर. तो ये सारी मैंने अपनी उस क्लोज़ेट से, ये ड्रॉर्स में से बाहर निकाल ली हैं. एंड अब मैं सबको कैटेगराइज़ करूँगी. तो सबसे पहले मैं जो दुपट्टे हैं, अकेले दुपट्टे हैं, उनको मैं एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ. एंड नेक्स्ट मैं जितने भी सूट के सेट्स हैं उन सबको तह कर रही हूँ, जिससे कि जितना दुपट्टा, बॉटम एंड टॉप तीनों इकट्ठे हों और मुझे एक सूट को ढूंढने के लिए सारे बैग्स ना खोलने पड़े. सो आई विल बी हियर सॉर्टिंग आउट ऑल द मैट्स एंड आई विल मेक श्योर कि मैं हर चीज़ को अच्छे से सेट्स बनाकर रख लूँ, जिससे फ्यूचर में मुझे बार बार यही प्रोसेस ना करना पड़े.
बाय द वे गाइज, आई लव 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 इंडियन वेयर. मैं पहनती हूँ बहुत ज़्यादा, बट आई लव बाइंग दैम बिकॉज जब भी शादीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उस टाइम पे मुझे नाइस हैवी इंडियन वेयर पहनना बहुत अच्छा लगता है. सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू ऑल्सो लाइक टू गेट ऑल ग्लैम्ड फॉर ऑल द फेस्टिवल्स. एंड या ये जो सारे सूट्स अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैक्सिमम मेरी मॉम ने दिए मुझे. सो इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया देन यू ऑलरेडी नो कि हमारे यहाँ पे जनरली मॉम्स अपने मम्मी के घर से सब बहुत सारे क्लोथ्स लेके आते हैं. सो आई ऑल्सो गॉट 21 जोड़ाज विद मी. एंड ये सारे हमने बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिज़ाइन देख देख के या तो ख़रीदे हैं डिज़ाइनर से या बनवाए हैं. सो आई रियली रियली वॉन्ट टू कीप देम ऑल सेफ. सो इसलिए अब मैं सबको अच्छे से एक जगह रख रही हूँ. ओके, सो नेक्स्ट वी आर वर्किंग ऑन अनदर पाइल ऑफ क्लोथ्स. ये सारे के सारे कपड़े मेरे ड्रॉअर्स में थे एंड आई रियलाइज कि इन सबको मुझे कैटेगराइज करके रख लेना चाहिए, जिससे कि मैं ओकेजन के अकॉर्डिंगली चीज़ को पुल आउट कर सकूँ. तो मैं सबको अच्छे से तह लगाऊंगी एंड देन सबके सेट्स बनाऊंगी और सबको पूरे बेड पे स्प्रेड कर लूंगी, जिससे कि जब मैं पैक करूँ तो मुझे पता हो कि एक बैग में एक पर्टिकुलर स्टाइल के या फिर लेट्स से सेम टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, इफ़ आई मे से, कि एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए एक टाइप के क्लोथ्स में एक जगह पैक करूँ, उसे हैवी वाले अलग में पैक करूँ. तो वो सब करने के लिए मैं आप सबको कैटेगराइज कर लूँगी. As you can see, I have two sarees. One is a chantle saree and there's another yellow saree out. तो ये मैं एक अलग से छोटा बैग बना रही हूँ, जिसके अंदर मैं वो कुछ चीज़ें रख रही हूँ कि जो मुझे मे बी नेक्स्ट 2-3 months में काम आ सकती है, बाय एनी चांस अगर कोई फंक्शन आ जाए. सो इसलिए मैंने एक दो साड़ीज़ और एक दो सूट्स अलग से रख रही हूँ. एंड हियर ऑन स्क्रीन नाउ यू कैन सी माई वेलवेट सूट, आई लव दैट. तो ये भी उसी बैग में जा रहा है. And now you can see कि सारी चीज़ों को मैं एक के ऊपर एक रख रही हूँ. तो जितने भी कॉटन के सूट्स हैं जो गर्मी में पहनने वाले हैं, उनको एक जगह और बाकियों को ऐसे कैटेगराइज करती जाऊँगी, जिससे कि चीज़ें आसान हो जाएँ. वाइल आई वॉज अबाउट टू पैक, आई फाउंड अ फ्यू मोर थिंग्स इन माई कबर्ड. सो मैं उनको भी ले आई हूँ एंड आई विल कीप रिपीटिंग द सेम प्रोसेस. एक जैसे क्लोथ, एक टाइप के क्लोथ एक जगह पे. दिस विल मेक माई लाइफ मच ईजी जब मुझे एक किसी ओकेजन के लिए कपड़े चूज करने होंगे. तो वी आर ऑलमोस्ट देयर. हमने मैक्सिमम चीज़ों को जो अभी मेरे पास अवेलेबल है उनको कैटेगराइज कर लिया है. कुछ और चीज़ें हैं जो मेरी मम्मी के घर पे पड़ी हुई हैं, सो वो वहीं रखे रहने दूंगी और इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लूँगी. एक बंडल जो है वो सारे कॉकटेल टाइप चीज़ों का है, कुछ ट्रेडिशनल्स का है, कुछ कॉटन्स का है. सो इन सबको अब मैं उन्हीं सेम जिपलॉक बैग्स में, वैक्यूम बैग्स में पैक कर लूँगी. एंड आई विल, एज आई सेड, इसको हम अच्छे से टाइटली पैक करेंगे. ये सारा स्क्वीज़ इन हो जाएगा और वी डोंट रियली हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ बैग्स. एंड अगर आप डर रहे हैं कि ये सारा क्रश हो जाएगा, तो एनीवेज आप कहीं भी जाएं, उससे पहले आप स्टीम या आयन तो करते ही हैं, सो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. आप इसको अच्छे से दबा के पैक कर दीजिए और उसको सारा एयर को पंप आउट कर दीजिए एंड दैट विल रियली रियली कीप योर क्लोथ्स नाइस एंड क्लीन एंड फ्रेश. तो ये बैग मेरा पैक हो गया है. इसमें मैंने सारे अपने हैवी क्लोथ रखे हैं और ऊपर मैं सारे दुपट्टे रख रही हूँ. अगर मुझे किसी भी चीज़ के ऊपर डालने के लिए चाहिए होगा तो मैं ऊपर से खोल के निकाल सकती हूँ. आई विल सील इट नाइसली एंड पंप आउट ऑल द एयर एज वी डिड फॉर द लास्ट बैग. ऑलराइट, सो दिस इज द सेकेंड बैग. इट इज टाइम टू पंप आउट द एयर, विच इज द मोस्ट सैटिस्फाइंग पार्ट. तो आप देखिए बेड पे जितने क्लोथ थे मैक्सिमम उस बैग में आ गए हैं. ये मेरा वो बैग है जो मुझे, मैंने वो क्लोथ रखे जो शायद मुझे कभी चाहिए हो सकते हैं. एंड ये जो सूट है इसमें बहुत एम्ब्रॉयडरी है, तो इसको भी मैं उसी सेम बटर पेपर में रैप करके रख रही हूँ, जिससे कि ख़राब ना हो. And I am just going to pack it and seal it. Okay, so after working on this for a few days, actually more than a few days, we have these three bags. So this one on top is the first one, which we had picked all the sarees, pack ki thi. Wo isme hai, mere thode
विंटर सूट्स एंड अ फ्यू थिंग्स दैट आई थिंक आई माइट नीड अगर बाय चांस कोई फंक्शन होता है. सो ऑफकोर्स आगे आगे मैंने विंटर वाले रखे हैं, पीछे वो रखे हैं जो मुझे अभी नहीं चाहिए होंगे. एंड जो बॉटम वाला है उसमें है थोड़े से कॉटन टाइप के सूट्स एंड थोड़े से दीज आर अ लिटिल टू हैवियर. नो दिस इज़ वेरी हैवी इन विंटर, दिस इज़ ओके हैवी. इसमें आगे आगे हैं काफ़ी हैवी सूट्स एंड आई थिंक इसे दुपट्टाज रखे थे एंड पीछे हैं कॉटन वाले जो मुझे बहुत गर्मी में चाहिए होंगे. सो आई हैव देम पैक लाइक दिस बिकॉज नेक्स्ट व्हेनेवर आई गो थ्रू दिस आई माइट जस्ट फ्लिप इट. सर्दियों के पीछे कर दूंगी एंड विंटर्स के आगे कर दूंगी. एनीवे सर्दियों के बहुत ही कम सूट है मेरे पास बिकॉज दिल्ली में सर्दियाँ इतनी होती ही नहीं है. सो जब भी जो भी चाहिए हो आप पैकेट खोल के निकालिए एंड रीसील कर दीजिए. अगर फ्लिप नहीं करें तब भी चल जाएगा. So that is how I have everything here. All right, guys, this is exactly how I pack my expensive Indian wear. कोई भी चीज़ जो आपकी जिसमें embroidery हो या फिर जो आपको लगता है ख़राब हो सकती है अगर आपको इस particular way से pack करेंगे तो वो हमेशा amazing and new रहेगी. उसे colors bright रहेंगे, embroidery काली नहीं पड़ेगी and जब भी आप उसे पहनेंगे हमेशा कोई ना कोई पूछेगा कि कहाँ से लिया. इस तरह से packing करने के बाद I keep everything either in the bed box या फिर अलमारी के ऊपर वाले shelf पे because हम लोगों को ये सारी चीज़ें रोज तो चाहिए नहीं. सो अगर आप भी अपने इंडियन वेयर का स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि आप उसको कैसे सेफ रखें, सो डू ट्राई आउट माय मेथड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज थम्स अप, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई एम गोना सी यू वेरी वेरी सून विद माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.